चंडीगढ़ में आईएस संजय पोपली के घर में गोली चली है। संजय पोपली के 25 साल के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। संजय पोपली के बेटे ने खुदकुशी की है, ये कहना है पुलिस का। वहीं मृतक बेटे की मां का ये बयान सामने आया है कि मेरे बेटे को विजिलेंस की टीम टॉर्चर किया करती थी। विजिलेंस के लोगों ने मेरे बेटे को ही गोली मारी है, ये परिवार वालों का कहना है। यानी कि मां के जो बयान सामने आए हैं उसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि विजिलेंस की टीम जो है वो बेटे को टॉर्चर कर रही थी और गोली भी विजिलेंस की टीम ने ही चलाई है। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका ये कहना है कि उन्होंने आत्मग्लानी में आकर अपने आप को खुद गोली मारी है अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से। लेकिन यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 25 साल महज उम्र है और खुद गोली चलाई है, ये पुलिस का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार वालों के अलग बयान सामने आ रहे हैं। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब तक क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? पुलिस के कुछ और स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, परिवार वालों का कुछ और कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज करीब 1 बजे के आसपास जब जो विजिलेंस की जो टीम है वो रिकवरी करने के लिए जो है संजय पोपली जो कि सेक्टर 11 चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं यहाँ पहुंची थी और इस टीम की तरफ से रिकवरी को लेकर के इस घर के अंदर वो दाखिल होती है। जिसके बाद जब नीचे पूछताछ यहाँ पर चल रही थी, जो कुछ सोने की बात कही जा रही है कि कुछ सोना यहाँ पर रिकवर करना था जिसको लेकर के टीम यहाँ पर पहुंची थी, क्योंकि आज कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर के एक तारीख थी जिसके लिए जो टीम है वो संजय पोपली को यहाँ पर लेकर के पहुंची थी। जिस वक्त उनकी पत्नी, उनका बेटा कार्तिक पोपली भी घर के अंदर मौजूद था और कुछ देर बाद जब ये पूछताछ चल रही थी, पूरी जो छानबीन चल रही थी उसके कुछ देर बाद करीब 1 से 1.5 बजे के बीच गोली के चलने की यानी फायर होने की एक आवाज़ यहाँ पर आती है और उसके बाद पूरी जो घटना है वो सामने निकल करके आती है। पुलिस को यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि परिजनों की तरफ से पुलिस को भी ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा था। जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, काफ़ी नाराजगी जो है उनकी थी, परिवार के लोगों की थी। लेकिन उसके बाद करीब 20 मिनट बाद जो कार्तिक पोपली हैं उनका जो मृत शरीर है उसे सेक्टर 16 चंडीगढ़ ले जाया गया, जिसके बाद पूरी घटना जो है वो मीडिया के समक्ष सामने आती है और मीडिया में ये तमाम बातें आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। एक और परिवार के जन जो है वो जस्टिस लेने की बात कर रहे हैं, जस्टिस उनको मिलना चाहिए, ये बात मीडिया के कैमरों के सामने लगातार जो श्री पोपली हैं जो कि उनकी पत्नी है उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो विजिलेंस टीम है या फिर जो चंडीगढ़ पुलिस है उनका ये कहना है कि इसको लेकर के अभी कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन विजिलेंस सूत्रों का ये कहना है कि उनकी तरफ से ये हत्या नहीं की गई है बल्कि ये एक आत्महत्या है। वहीं परिजनों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है उसमें विजिलेंस टीम की वजह से ये हत्या हुई है। तो ये पूरा मामला सामने है, उसके बाद फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंचती है, सीएफएल टीम की तरफ से पूरी जो जांच है वो इस वक्त भी यहाँ पर की जा रही है। घर के अंदर जो टीम है वो मौजूद है, जो खून के जो कतरे हैं उनका डीएनए जो है वो पूरे तौर पर यहाँ पर चेक किया जाएगा। पूरी घटना किस तरीके से हुई, 7.62 की ये जो बंदूक है वो थी और उससे ये फायर किया गया था, और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है ये बंदूक संजय पोपली की ही थी, यानी कार्तिक पोपली के जो पिता हैं जिनके खिलाफ ये पूरी जांच चल रही थी उन्हीं की ये बंदूक बताई जा रही है और उसी बंदूक से ये फायर हुआ है, जिस तरीके की जानकारी अभी तक मिल पाई है। और फॉरेंसिक टीम अब पूरे तथ्य यहाँ पर देख रही है, फिंगरप्रिंट से लेकर के खून के जो कतरे हैं, किस प्रकार की स्थिति थी, किस प्रकार की पोजीशन वहां पर थी, घर के अंदर कोई और तथ्य, इसको लेकर के जो है वो उन सभी तथ्यों को खंगालने का काम इस वक्त फोरेंसिक टीम की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। जिसके बाद जो जांच जो है, जांच के जो तमाम पहलू हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से सभी पहलुओं को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और ये पूरे तौर पर सामने लाया जाएगा कि आखिर ये हत्या थी या आत्महत्या थी, किस तरीके की ये पूरी घटना थी, इसको लेकर के जो जानकारी है वो पुख्ता तौर पर सामने आ पाएगी। और जांच में कहीं ना कहीं सीएफएसएल टीम की ये जो पूरी रिपोर्ट है इसकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर नजर जरूर बनी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरा वाक्या हुआ है, एक युवक की मौत हो जाती है वो भी तब जब विजिलेंस के अधिकारी मौजूद यहां पर रहते, कहीं ना कहीं विजिलेंस टीम की कार्यवाही पर भी संदेह यहां पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है या सवाल खड़े हो रहे हैं।
देखिए, सवाल खुद परिवार की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, जस्टिस मांगने की बात कही जा रही है और यह बात साफ तौर से कही जा रही है कि उनके जो बेटे हैं उनका कत्ल किया गया है, उनकी हत्या यहां पर की गई है। और इसको लेकर के जो पूरी छानबीन, जो पूछताछ है, वो न सिर्फ परिवारजन बल्कि उनकी जो पत्नी है श्री पोपली, उनका यह भी कहना था कि उनके जो माली हैं, जो नौकर हैं, उनसे भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही थी। उनके वकील जब बाहर आए तो उनका यह कहना था कि 20 तारीख का ये पूरा मामला था, उसके बाद से लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही थी। उनके घर पर जो इससे पहले जो लोग इलाज कराने के लिए कुछ जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, उनके लॉकर तक जो है वो रिकवरी को लेकर के चेक किए गए हैं। परिवार का ये भी आरोप है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा था, एक हरासमेंट का माहौल जो है वो परिवार के लिए बनाया जा रहा था और कहीं ना कहीं उसी के चलते जो है ये पूरी घटना सामने आई है, क्योंकि पूरा परिवार इस एक दबाव के अंदर जो है वो लगातार बना हुआ था और जिन भी लोगों से संपर्क थे उनसे भी इंटरोगेशन करने का काम किया जा रहा था। चलिए, अब इस पर नजर बनाए रखेगा जितेंद्र, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है क्योंकि स्टेटमेंट पुलिस की कुछ और है, परिवार वालों की कुछ और विजिलेंस की टीम वहां पर कार्रवाई कर रही थी, घर वालों ने पुलिस को भी रोका है, तो तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इस पर नजर बनी रहेगी।